भले ही बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता हिंदी सिनेमा से दूर हो, लेकिन उसके बाद भी वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा में रहती है। इन दिनों वह काफी चर्चा में चल रही है। आपको बता दें, एक्ट्रेस ने 2005 में फिल्म आशिक बनाया से डेब्यू किया था, जिसके बाद उनको काफी ज्यादा फेम मिली। फैंस इनके दीवाने हो गए। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में ढोल, हॉर्न ओके प्लीज, सास बहू और सेंसेक्स, गुड बॉय बेड बॉय, भागम भाग जैसी कई फिल्मों में काम किया, जो कि हमेशा से सुपरहिट रही। लेकिन इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड से अचानक दूरी बना ली। एक्ट्रेस को फिल्म में आखिरी बार 2010 में देखा गया था, उसके बाद अब तक वह फिल्मों में नजर नहीं आई। अभी हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि तनुश्री जब महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर जा रही थी, तो बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि एक्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा चोटें आईं। दरअसल उनकी कार का ब्रेक टूट गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इस हादसे के पहले वह मंदिर के लिए घर से निकली थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। हालांकि अभी एक्ट्रेस एकदम ठीक है, लेकिन उन्हें घुटने में चोट आई है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने एक्सीडेंट की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि आज का दिन मुश्किल भरा था। अंत में वे महाकाल के दर्शन करने पहुंचे। जानकारी के अनुसार ब्रेक फेल होने के बाद कार की टक्कर हो गई। ऐसे में एक्ट्रेस को कुछ टाके भी आए। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।